इंडियन आर्मी की एक बस के नदी में गिर जाने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया है। इस एक्सीडेंट में 7 भारतीय जवानों की जान चली गई। लद्दाख में सेना की गाड़ी के अचानक नदी में गिरने से 7 जवानों की जान चली गई है। घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी है। एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंच रही है। देश के लिए एक दुखद घटना सामने आई है। लद्दाख में एक बड़ा हादसा हो गया है। सेना की एक गाड़ी फिसल कर शोयोक नदी में गिर गई है। जिस वक्त सेना की यह गाड़ी नदी में गिरी उस वक्त गाड़ी में तकरीबन 26 जवान मौजूद थे, जिसमें से 7 की मौके पर ही जान चली गई और बाकियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जवानों को आर्मी फील्ड अस्पताल में ले जाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 9 बजे से 10 बजे के बीच हुआ। सेना की गाड़ी दरअसल इम्बैलेंस होने की वजह से सीधी शोयोक नदी में जा गिरी। इंडियन आर्मी के मुताबिक तकरीबन 26 सैनिकों की टुकड़ी करतारपुर से लेह जिले के हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। इसी बीच अचानक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी फिसल कर सीधी नदी में जा गिरी। इसके बाद एक बड़ा हादसा पेश आया। हाल फिलहाल कोशिश की जा रही है जो घायल सैनिक है उन्हें जल्द से जल्द सर्वोच्च चिकित्सा मुहैया कराई जाए।